नमस्कार, मैं अनुप्रिया। एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। शनिवार के रात उरण तालुका में हुए बारिश की वजह से चावल की खेती का बड़ा नुकसान हुआ है। शनिवार रात को उरण तालुके में हुए बारिश की वजह से चावल की खेती और बीट का व्यवसाय करने वालों का बड़ा नुकसान हुआ है। इस वर्ष बारिश समय से पहले ही जल्द ही गायब होने से उरण तालुके की चावल की खेती पर इसका बुरा असर हुआ है। फिलहाल स्थिति में उरण तालुके में चावल फसल की कापनी और मलनी के काम शुरू है। कुछ किसानों ने चावल की खेती के साथ रबी के पीक यानी वाल, चावल, पावटा, मूंग इनकी पेरणी की है, लेकिन शनिवार को हुई बारिश की वजह से चावल के खेती का और रबी पीकों का बड़ा नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। दिवाली त्योहार में मिठाई पदार्थों और मिठाई की मांग बढ़ रही है। दीपावली त्योहार में मीठे पदार्थों और मिठाई की मांग बढ़ी है। मावा दूध से बने मिठाई में भेलसर का प्रमाण भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए राज्य के अन्न और औषध प्रशासन ने भेलसरखोरों पर कार्रवाई कर भेलसरयुक्त मावा दूध खाद्य तेल जब्त कर उन पर कार्रवाई की है। इसलिए मिठाई खरीदी करते वक्त ग्राहक जागरूक रहकर मिठाई खरीदी करे और उनसे बिल ले, ऐसा आह्वान FDA ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। दिवाली के त्योहार में शहरों में रहने वाले नागरिकों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। नई मुंबई महापालिका के मोरबे धरण से बेलापुर से अरोली तक पानी पुरवठा किया जाता है। 24 घंटे पानी पुरवठा करने की घोषणा करने वाली महापालिका शहर के केवल 10 से 12 प्रतिशत क्षेत्र में ही 24 घंटे पानी पुरवठा कर रही है और नई मुंबई के अन्य क्षेत्र झोपड़पट्टी और शहर के अन्य क्षेत्र में महानगर पालिका 24 घंटे पानी पुरवठा करने में असफल हो गई है। एन दिवाली त्योहार में झोपड़पट्टी में रहने वाले रहीवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। नई मुंबई महानगर पालिका के परिवहन IITMS प्रणाली को UMI 2018 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रम अंतर्गत स्वयंचलित इंटीग्रेट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम IITMS इस प्रणाली को भारत सरकार के गृह निर्माण एवं नागरी विकास मंत्रालय के ओर से देश के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र के UMI 2018 अवार्ड्स ऑफ कमांडेबल इनिटिएटिव इन अर्बन ट्रांसपोर्ट इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। रेलवे के आरक्षित टिकटों का काला बाजार करने का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ने लगा है। इसे रोकने के लिए रेलवे पुलिस ने एक विशेष मुहिम छेड़ी है। रेलवे के आरक्षित टिकटों का कालाबाजार करने का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ने लगा है। इस पर रोक लगाने के लिए RPF के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इनके मार्गदर्शन के अनुसार पथक ने धड़क कार्रवाई कर 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इस कालावधि में एक विशेष मुहिम छेड़ी थी। इन 12 दिनों में रेलवे पुलिस ने आरक्षित टिकटों का कालाबाजार करने वाले 5 दलालों पर कार्रवाई कर उनसे 1,55,000 आरक्षित टिकट जब्त किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। उनसे 1,55,000 के आरक्षित टिकट जब्त किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। आज के समाचार में इतना ही। नमस्कार।